जी ने ना बड़ी सोहनी तरीके दस्या कि दिमाग की बीमारी है। देखो बहुत ही ध्यान सोचने वाली गल है। सब तो पहली गल तो ये मानो कि एक ना शरीरक बीमारी है। असी बैठे दिमाग के हॉस्पिटल चा पर हैगी शरीरक बीमारी है तो असी इलाज जोड़ा है ना वो मानसिक तरीके करने की कोशिश करते हैं। पहली गल जो साढ़े मन च आ गया ना कि शरीरक बीमारियां होंदिया तो शरीरक बीमारियों फर्क नहीं होंदा। जे अख की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, दिल की बीमारी है, फेफड़िया की बीमारी है, इंटेस्टाइन की बीमारी है, ये सारिया बीमारियां हो सकती हैं, किसी भी हो सकती हैं। जे किसी भी सिस्टम हो सकती हैं तो साढ़े पेशेंट के किसी भी सिस्टम के आ गई। जे असी पॉइंट आउट पहला करांगे कि इहदे विच कि चीज़ खराब हुई है, इहदे विच दो चीज़ां खराब हो रही हैं। पहली गल तो इहदे विच लिवर उन्ने जोगा नहीं रहा जिहड़ा कि नशे को बचा सके। दूजा यह है कि दिमाग की मंग इन्नी ज़्यादा हैगी है कि दिमाग यह नहीं देखता भी तेरा लिवर काम करता पाया या नहीं करता पाया, कोई चीज़ भजती पई है कि नहीं भजती पई, तू उन्हों दे अंदर सुट्टी जाना। बस आ दो ही चीज़ा इस मैटर करती हैं, होर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। हुण तुसीं मैनूं दसो कि दिमाग का वो हिस्सा जिहड़ा साह लैण च काम करता है, जिहड़ा दिल की धड़कन च काम करता है, उही हिस्सा साढ़े दिमाग दे विच खराब होया है। हुण जे असीं किसे इंसान नूं कहिंदे आ मन पक्का कर, ते असीं किसे नूं इह कहीए कि तू अपना साह रोक के दिखा जां तू अपने दिल की धड़कन घटा जां वधा, पॉसीबल हो सकता है? नहीं ना पॉसीबल हो सकता। सो इस तरह ही जदों असीं अपने पेशेंट नूं कहिंदे आ कि तू अगे तो नहीं करेगा, हाँ जी लगे गुड, थैंक यू, बहुत वधिया। बस उन्हों का ध्यान रखो, नुकसान ना अपना करन जा डिगन ना, उन्होंने पानी पूनी पिया दियो, जूस वगैरह पिया दियो, उन्हों का ध्यान रखो। सो जिहड़ी गल हैगी है कि जदों किसी इंसान का दिमाग काम नहीं ना करता फिर सानू कुछ थोड़े जे टफ लव दे प्रिंसीपल्स नू यूज़ करना पैंदा। जिवें हुण असी इहनां दे पिता जी है वो इस गल नू एक्सैप्ट नहीं करते कि उन्हां नू दवाई खानी चाहीदी है, वो रोटी खा के भी नहीं राजी, वो घरों भी निकल जाते हैं, लभते नहीं है। सो इन्हां सारियां चीज़ां दे विच जे असी ते हुण उहनां दी मर्जी नाल चलांगे वो देखो किन्ना रौला पा रहे हैं। अज सानू चार पाँच दिन हो गए तरले कटदियां बहुत ज़्यादा जोर लाया कि वो एक टेबलेट भी अपने मुँह च पा लें, नहीं पाते, रोटी भी नहीं खाने को तैयार है, असी जोरी जोरी रोटी खवाते पे हैं। हुण असी इंजैक्शन लगाना वो भी बड़ा मुश्किल नाल लगा डे हैं। इहदा मतलब है कि उन्हों का दिमाग नहीं काम करता। जे उन्हों का दिमाग काम करता होंदा तो वो जाके अपना इलाज कराते, ठीक है ना। सो बीमारियों के नाल कभी जिद नहीं पानी चाहिए, बीमारियों के नाल ना जितो, होर किसी चीज़ नाल जितना तो जित लो कि मैं बड़े हाँ, असी ताकतवर हाँ कि बीमारी ताकतवर है। तुहानू कभी भी ये छड्ड ही दिओ गल कि तुसी बीमारी नाल जे नाल जित पा के तो तुसी जित सकते हो। बीमारियां अंदर अंदरों वधदियां रहिंदियां, बीमारियां जिहड़ियां ये सम टोटल ऑफ रसायनिक पदार्थों के मेल जोल के नाल बनदियां। जे ते मेल जोल इन रसायनिक पदार्थों का आपस के विच किते सैट बह जाए तो इंसान ठीक रहिंदा है। जे कितें ये आपस के जिहड़ा मेल जोल मिक्सचर जिहड़ा ठीक ना बने तो फिर जिहड़ा ब्रेन है वह काम करना बंद कर देता, बल्कि उल्ट काम करना शुरू कर देता। सो जिहड़ा लोगों नूं ये नुकसान है ना, ये पता है कि भी जे असी इहनूं ठीक नहीं करांगे तो असी उस हालत 'च रहांगे। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिंदा कि जे असी इहदी रिपेयर नहीं करांगे, इहदा इलाज नहीं करांगे, फिर साडे नाल की होएगा। सपोज़ करो दो घर हैगे आ, एक घर वो है जिहदे विच तुसीं पूरा सारा दिन मेंट करते हो, कली कराते हो, रंग लाते हो, उहदे रिपेयर कराते रहिंदे हो, उहदी पूरी देखभाल करते हो, उत्थे बूटे लाते हो, उत्थे फुल लाते हो। एक वो घर है जिहनूं तुसीं छड्ड दिंदे हो ते उहदे विच कुछ नहीं हुंदा। छे महीने साल दे बाद तुसीं देखोगे जिहड़े घर नूं तुसीं नहीं ना कुछ कीता, कुछ छेड़िया नहीं, उहदे अंदर सप्प ठूएं, उहदे अंदर तरह तरह के जानवर, कोर किलियां, तो बहुत सारिया चीज़ा ने और त्रेड़ा पै जाएगियाँ, फर्श टुट जाएंगे, छत्तों के मोरिया हो जाएगियाँ। ये किसी ने कीतिया नहीं है पर वो क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हुई उस घर की, तो वो अंदर वो सारे जानवर या
वो चीज़ा आ गई। इस तरह ही साड़ा दिमाग है, जे ये ना सोचो कि तुम इलाज नहीं कराओगे तो ये ठीक नहीं होएगा, सानू यहोजा ही ठीक है, जिहोजा है वोजा ही ठीक है। ये लोगों को बड़ा है कि जिहोजा है ना गुजारे जोगा यहोजा ही चली जाए, नहीं ये होएगा। जे तुम इलाज नहीं कराओगे वोजा नहीं रहेगा, ये उस खंडर वर्गा हो जाएगा जिहड़ा अनअटेंडेड घर पे है, क्योंकि वह परमात्मा की एक किरिया, वह अपने आप डिटीरिएट हो जाएगा। तो वो बहुत सारिया गलत ख्याल सोचा तो किसी ना किसी अपने आप में जिंदगी ख़त्म करना या किसी ख़त्म करना, जिहड़ियां तुसीं न्यूज़ पढ़ते हो ना कि उन्हें अपने फादर नूं किल करता, बच्चे नूं किल करता, अपने बच्चों किल करता, जा अपनी कार दे विच बंदे बिठा के जाके नहर च छाल मारती। ये वो घर है जिन्हां दे विच तुहानूं दस्सिया कि जिन्हां दे दिमाग का इलाज नहीं होया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अंदरों अंदर डिकलाइन करता गया, तो एक जगह पर जाके फिर यह डिजास्टरस एक्सीडेंट हो गया। सो आ जिहड़ा एक लोगों का विश्वास है ना कि जे बीमारी हैगी है तो इलाज नहीं करावांगे तो साडा गुजारा चली जाएगा, गुजारा नहीं जे चलना। हुण तुसीं सोचते हो भी इलाज कराने के दो फायदे की है, एक तो वह फायदा है कि जिहड़ा डिटीरिएशन हो रही थी वह नहीं होएगी, जिहड़ा डिजास्टर हो रहा है वह नहीं होएगा। दूजा यह फायदा है कि जे कुछ ना कुछ 20-25% 30% अगे नो फायदा हो जाएगा तो एक बोनस है। ईवन इफ तुसी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड नू मेनटेन करके रखना चाहते हो ना, जे तुसी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड नू मेनटेन करके भी रखना चाहते हो ना तो भी तुहानू इलाज कराना पड़ेगा। तो जे इलाज करा के तुहानू नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड भी मेनटेन हो जाती है ना, ये समझ लो तुहाडा एज ही है, क्योंकि आने वाली ये जिहड़ियां बीमारियां है ना ये प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब साढ़े जीन्स में आई है, क्रॉनिक है, इन्होंने साड़ी नाल सारी उम्र निभानी है, जिनी देर साड़ी जिंदगी है उन्नी देर नाल रहनी है। प्रोग्रेसिव है, इन्ह के उम्र के हिसाब नाल बधी जाना, ये नहीं है कि भाई जिनी बीमारी 30 साल च है 35 साल च उस तो घट जाएगी ज उन्नी रह जाएगी, 35 साल च उस तो वध होनी है, 45 साल च होर यदा काम खराब हो जाना। जिहड़ा लिवर तो दिमाग अज नहीं ना काम करता पिया, जिहड़ा कुछ नहीं पचा सकता पिया, वो 45 साल की उम्र के जाके होर ज़्यादा खराब हो जाना है। तो कोई भी नशा किसी तरह का छोटा मोटा कभी भी किसी तरह की कोई चीज़ नहीं खा सकता। सो ये सारिया गल्लां तुहानू सोचण वालियां हैं। जे मैं तां तुहानू कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि भी तुसीं नशा छड्डो जां तुसीं इह करो, मैं तुहानू सिर्फ ये दस रहा कि जे नहीं करांगे तो की होएगा। जिन्हां लोकां ने जिंदगी च नहीं कीता, इस ते ध्यान नहीं दिता, हुण जिवें भाजी भी कह रहे थे कि जे तुसी दिमाग का ध्यान ना रखिया तो फिर की होएगा, यह होएगा फिर जो घर देख लो जिहड़ा खंडर बनया पिया है वह सिर्फ इस करके बनया पिया क्योंकि उहदा ध्यान नहीं रखिया जा रहा। हुण तुसी देख लो भी साडा दिमाग खंडर बनना चाहिए कि साडा दिमाग बगीचा बनना चाहिए जिथों खुशबू आ रही होए, दोवें तुहाडे हाथ च, दोवें तुहाडे हाथ च। जे कुछ नहीं करोगे तो खंडर, जे बहुत मेहनत करोगे तो बगीचा, बाकी यह तुहाडी मेहनत है किन्नी। जे तुसी दिन च 2 घंटे कढ़ते हो उहदे वक्खरे रिजल्ट है, जे 1 घंटा कढ़ते हो तो वक्खरा रिजल्ट है, तो जे 4 घंटे कढ़ते हो तो फिर वक्खरा रिजल्ट है। जिन्ने घंटे तुसी इत्थे लाओगे ना उन्नी तुहाडी बगीचा सोहना होएगा, ये तुहानू भी पता है मैनू भी पता है, पर दिमाग बिल्कुल इस तरह ही चलता है। बहुत सारे लोग कहिंदे जिहो जे हैगे रहण दिओ जी असीं इहदे नाल गुजारा कर लवांगे, वो गुजारा नहीं होना। आने वाले 5 सालों कुछ ना कुछ इहो जिहा होएगा जिहड़ी कि तुहानू फिर अपना जिहड़ा टाइम लॉस्ट है एंड जिहड़ा इस वेले दी ऑपरचुनिटी मिली है इहनू असीं गवा लवांगे। साडे कोल रोज़ इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जिन्हां नूं असीं कहिंदे आ कि दाखिल हो जाओ ते इहदी इलाज की लोड़ है। अक्सर सानूं कहिंदे आ जी मैं कमिश्नर हाँ, मैं SSP हाँ, मैं IG हाँ, मैं डॉक्टर हाँ, ते असीं इलाज नहीं करा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। साल थोड़े दिन बाद 1-2 महीनों बाद एक न्यूज़ आ जाती है, आज एक डॉक्टर गया, उन्हें जाके नहर च छाल मार दी। तुसीं सोचो कि साडे मन ते की हुंदा होएगा। साडा काम सिर्फ तुहानू दसना है, फैसले लैने तुहाडा काम। हर रोज़ सानूं इहो जी न्यूज़ आती है जां अखबार च चेहरे दिसदे है जिन्हां नूं असीं लिख के दित्ता हुंदा कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अर्जेंट एडमिशन रिक्वायर्ड, अर्जेंट एडमिशन रिक्वायर्ड। लोग इहनूं मखौल समझते हैं, कोई गल नहीं जी साडा मरीज कहिंदा मैं नहीं हाले दाखिल होना, एक बारी मैनूं 4-5 दिन देख लैण दिओ, हफ्ता देख लैण दिओ,
ये नहीं करना चाहिए। जिहड़ी जिहड़ा तुहाडे कोल ऑपरचुनिटी आई है ना उहनूं अवेल करो। जे अज दे दिन च तुहाडे कोल कोई ऑपरचुनिटी हैगी है तुसीं लक्की हो, तुसीं लक्की हो, क्योंकि चीज़ां टाइम नाल खराब होंदियां, टीम चीज़ां टाइम नाल ठीक नहीं होंदियां। लोग कहिंदे अपने आप टाइम नाल सुधर जाएगा जी, ये गलत धारणा हैगी। सुधरना तो वह है जिहड़ा खराब होया, जिहड़ा बीमार है। बीमारियां भी देखिया कि तुसीं हार्ट का ट्रीटमेंट होए तो तुसीं इलाज ना कराओ तो हार्ट ठीक होना शुरू हो जाए। जदि फेफड़िया के नुक्स होए तो तुम वह कोई इलाज ना कराओ तो कल फेफड़े बहुत वधिया साह खिंचन लग पैण। हमेशा टाइम के नाल फेफड़े खराब ही होणगे। तो दिमाग पर यह धारणा क्यों कि असी कुछ नहीं करांगे तो अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा, ज उम्र नाल ठीक हो जाएगा, ज टाइम पा के ठीक हो जाएगा। तुम देखो मतलब साडा नज़रिया एंड ये सारी चीज़ के बेच इनवॉल्वमेंट कि दिमाग की। दिमाग ने ही सोचना है कि भई इस बंदे नूं इस वेले इलाज की लोड़ है कि नहीं है। अच्छा जे आप इहनूं बीमारी मानते हैं, पहली तेन शरीरक बीमारी, फिर ये दिमाग की बीमारी, फिर ये रिजल्ट्स, फिर ये करके बर्बादी, फिर तुसी ये देखो कि तुहानूं ऑपरचुनिटी मिली है, फिर तुसी ये वेट ना करो कि तुहाडा पेशेंट एक दिन कहेगा कि लियाओ जी मेरा इलाज कराओ। ना वेट करो, की पता जदों तक तुहाडा पेशेंट कहे मेरा इलाज कराओ वो इलाज के काबिल ही ना होए, उहदी बर्बादी इन्नी हो चुकी होए, उहदा लिवर इन्ना खराब हो चुकिया होए कि हुण नशा बचाण ते गल वक्री है, हुण रोटी भी नहीं बचा सकता। हुण लिवर इन्ना खराब हो गया, सरोटिक लिवर हो गया है कि लिवर च लिवर टिशू तो रहा ही नहीं, ये सिर्फ तो सिर्फ एक इलास्टिक टिशू बन गया, फाइबरस टिशू बन गया जिन्हों फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस का मतलब होंगे कि जितों लिवर टिशू खत्म हो जाता परमात्मा उस जगह भरन वास्ते उत्थे फाइब्रोसिस बना दिता। फाइब्रोसिस होंगे खरीड, जिमें असं कहने ना जख्म भरया गया जी खरीड बन गया वो होंगे। हुण तुसीं दसो जिहदे विच लिवर ही नहीं हैगा जां चौथी स्टेज उहदी पहुँच गई है तो उहदे विच फाइब्रोसिस है, उहदा असीं इलाज की करांगे? जां उहदा इलाज करन वास्ते जिहड़ियां दवाइयां देंगे, हुण दिमाग नूं ठीक करन वास्ते दवाइयां चाहीदियां, दवाइयां नूं पचाण वास्ते लिवर चाहीदा। जे लिवर इन्ने जोगा भी नहीं है कि जिहड़ा दवाई नूं पचा सके, रोटी नूं पचा सके, पानी नूं पचा सके, तो उस लिवर नूं असीं फिर दिमागी रोग नूं किवें ठीक करांगे? सो अज के दिन च जे तुहाडी एडमिशन हो जाती है किसी हॉस्पिटल दे विच ते कोई तुहानूं यह कह दिंदा कि तुसीं दाखिल करा लो, इहदा मतलब है तुसीं बहुत किस्मत वाले हो कि तुहाडा पेशेंट जींदा जागदा है। तो एडे जोगा है कि किसी डॉक्टर ने यह समझ लिया कि इहनूं दाखिल कि दाखिल डॉक्टर तां ही करेगा जे उहदा इलाज हो सकदा। हुण साडे कोल किन्ने पेशेंट्स आते हैं जिन्हां नूं सानूं जवाब देना पैंदा कि तुसीं पहलां लिवर का इलाज करा लो, जे लिवर योगा होएगा कि साडियां दवाइयां पचा सकता है तो फिर असीं दिमाग का इलाज करांगे। तुसीं समझदे हो कि डेस्परेशन किन्नी है, रियलिटी यह है कि जिन्नी देर तक असीं कहने ना कि असीं इलाज नहीं कराना उन्नी देर तक इलाज हो सकता होंदा। जदों असीं कहने ना कि हुण इलाज करा के ही छड्डना, हुण भावें जो मर्जी हो जाए इलाज करा के ही जाना, असीं नहीं वापस घर जाना, उस वेले इलाज नहीं हो सकता होंदा। उस वेले साडा लिवर साडा शरीर इस काबिल नहीं होंदा कि उहदा इलाज हो सके। ये देखो इत्थे इक ते गल फसी हुई है, इस गल नूं तुसीं एक वारी सुन लो, दो वारी सुन लो, फिर तुसीं इस बीमारी दे इलाज दे विच कदी इह नहीं हो सकदा कि तुसीं करा लिया इलाज ते पेशेंट ठीक हो गया। साडी बीमारी दे विच पेशेंट ने ठीक कदी नहीं होना। बड़ा औखा लगता सुनना एंड डॉक्टर वास्ते कहना बड़ा औखा लगता। ठीक होण दा की मतलब है? ठीक होण दा मतलब हैगा कि मेरा लिवर इस जोगा हो गया कि वह नशा पचा सकता, यही मतलब है ना ठीक होण दा। ठीक होण दा होर की मतलब है? ठीक होण दा मतलब है कि मेरा लिवर हुण बिल्कुल ठीक है, हुण जिहड़ा मर्जी अंदर नशा सुट्टो हुण मेरा लिवर पचा लेगा। साडे पेशेंट ने कदी ठीक नहीं होना। हाँ ये होएगा कि जदों तुसीं साडे कोल लै के आए हो उदों साडा लिवर इन्ने जोगा नहीं है कि नशा पचा सके, पर इन्ने जोगा हैगा कि दवाइयां ते रोटी पानी ते बाकी दीआं चीज़ां पचा सकदा है। ठीक है, पर यह है कि आने वाले टाइम के पांच सालों के जिहड़ा लिवर पहले ही इन्ने घट काम कर रहा है वह कल हो सकता है जे आप इलाज नहीं कित करांगे ना, तो वो जे मतलब वो इन्नी खराबी भी आ सकती है कि कल वो रोटी पानी भी ना बचाए, दवाइया भी ना बचाए, फिर की करांगे? साडे पेशेंट जो कहते हैं ना जी मैनू हुण दो साल हो गए मैं शराब छड्डी है हुण मैं ठीक हो गया, यदा मतलब है कि ठीक नहीं होया
ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਭਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੱਸ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਲਿਵਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜੇ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਵੈਲਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ 100% ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ। 2 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ 100% ਲਿਵਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਵੇ, 100% ਲਿਵਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 100% ਬ੍ਰੇਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਤਾ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਖਾ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਤਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾ ਤਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਦੌੜਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਟਿੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ,
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਮੌਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸੂਲ ਵੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦੇਣਾ। ਈਵਨ ਇਫ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦੇਣੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਖਤਮ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਓਬੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਫੇਟਲ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਮੀਨ ਦੈਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਮਸਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਓ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਫਿਰ? ਹੈਂਜੀ, ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੈਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼? ਇਲਾਜ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ MA ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ PhD ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚੂੰਗਾ? ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ MA ਅਤੇ PhD ਨਾਲ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ
उस इंसान ने अपनी जिंदगी गवा ली है, जिस इंसान की जिंदगी बड़ी यूजफुल हो सकती सी सिर्फ इस करके क्योंकि उन्होंने इलाज अपने इलाज तो उपर कोई होर चीज़ लग रही थी, प्रायोरिटी नंबर उसकी ठीक नहीं सी, उसकी और कोई चीज़ नहीं, वो ठीक होने वाला सीगा, उसका इलाज हो सकता सीगा, उसका इलाज हो जाना चाहिए सीगा, बंदा इंसान बिल्कुल ठीक हो सकता सी, सिर्फ गल की रही प्रायोरिटी नहीं ठीक हो, ताई तो कहते हैं फस्ट थिंग फस्ट कि तुहाडी प्रायोरिटी ठीक होनी चाहिए है। तो जिथे मर्जी जड़ी चीज़ तुम मैंने कहोगे ना डॉक्टर साहब इतने जाना है ये करके छुट्टी दे दियो, किसी ने भोगते जाना है, किसी ने ब्याह ते जाना है, किसी ने जन्मदिन ते जाना है, किसी ने लोहड़ी लोहड़ी ते जाना है, मेरे मन च सब तो पहला ये ख्याल आएगा कि इहदा मतलब इहदी प्रायोरिटी गलत हो गई है, नहीं जी साडे कोल पैसे की समर्था नहीं है, नहीं जी साडे कोल आ नहीं है, सब कुछ हैगा सिर्फ तुहाडी प्रायोरिटी नहीं ठीक है, पैसे तो बगैना भी इलाज हो जाता, तुहानू भी लगता कि जिस बंदे को पैसा नहीं होगा उहदा इलाज नहीं हुंदा होएगा, इलाज सब का हुंदा पिया एंड इलाज सब का इक्को जिहा हुंदा पिया, भावें तुहाडे को पैसा हैगा जां नहीं हैगा, इलाज सब का इक्को जिहा हो रहा एंड किसी नूं इह भी नहीं पता हुंदा कि किस बंदे का पैसा लग रहा तो किस का नहीं लग रहा, पर गल सिर्फ इन्नी है कि तुसीं प्रायोरिटी नंबर वन की रखे, जे फैमिली मैनू आके कहती है ना कि प्रायोरिटी नंबर वन जी असी बंदा बचाना तो सानू जिन्ना मर्जी जो मर्जी कहो कि असी करांगे, मैनू नहीं लगता कि कोई दूजी चीज़ उन्हें अल्टरनेट कर सकती है, ना कोई डॉक्टर कर सकता है, ना कोई इलाज कर सकता है, ना कोई इलाज जगह कर सकती है, सब तरह के इंसान इतने आते हैं, सब नू असी केटरिंग समझते हैं सब, क्योंकि कल्चर ही यहोजा है, सानू पता है कि इलाज कितना जरूरी है, शायद तुहाडे तो ज़्यादा पता सानू कि इलाज कितना जरूरी है, उस तो कोई प्रॉब्लम वाली गल, जे किसी को फाइनेंस नहीं होंगे तो भी वह इलाज होंगे, जे किसी को दवाई वास्ते पैसे नहीं है वो दवाई भी लग जाती है, जे किसी को टेस्टा वास्ते पैसे नहीं है वह भी दिते जाते हैं, जे किसी आन जान का किराया नहीं है वह भी एर मैनेज हो जाता, तो कई फिर इस तो भी अगर मैनेज हो जाता कि उन्होंने रोटी रोजी भी चल पी है, पर यह है कि सारिया चीज़ों वास्ते क्वालीफाई तो करने चाहिए हो, एक चीज़ रखो इलाज नंबर वन, तुहाडियां बाकी सारिया चीज़ा सॉर्ट आउट हो जाए, सारिया चीज़ा कभी किसी नूं किसे एक कारण करके भी डिकलाइन नहीं किया जाता ट्रीटमेंट, वो वक्री गल है कि लोग बहाना जरूर लाण के मैं इस पिछे नहीं आया जी, मैं इस पिछे नहीं दवाई खा रहा जी, वो एक एक्सक्यूज है तुहाडा, कभी कोई सोचा हो कि एक स्टूडेंट होए बहुत चाहवान होए पढ़न का तो उन्होंने मास्टर जी कह के नहीं नहीं तेरे को पैसे नहीं है कि मैं तेन पढ़ाना नहीं है, जब मास्टर जी कह के मैं तू ना उन्हें जिन्हें पढ़ना है ना उन्हें मास्टर जी नू कर लेना कह, मैनू नहीं लगता कि साढ़े पेशेंट को ना पैसे होने तो उन्होंने कभी नशा ना मिले हो, कभी हो ही नहीं सकता, तुसी साढ़े पेशेंट के सारे पैसे रोक लो जो मर्जी कर लो, तुसी उन्हें सिखा च बंद कर लो, उन्हें चार मंजिलों तो भी छाल मार के उन्हें जाके नशा पैदा कर लेना, तो इलाज कराने लग्या नफरे क्यों, इलाज कराने लग्या कंडीशन क्यों, नहीं जी झोना लग जाए फिर वो वाढ़ियाँ लंघ जाता, गर्मियाँ घट जाता, बारिशां नहीं ना पईयां इस करके बई की गल करते, वो सानू ना किसी ने पिठे रस्ते ते पाता, वो मैं क्या पुठे रस्ते ते पैन वास्ते तैयार हो गए तो पाया ना, जदों आपां नशे वाले पासे जांदे सी उदों क्यों नहीं किसी ने सीधे रस्ते पाया, उदों भी तो दस बंदियां रस्ते च होएगा ना करी ना करी इधर ना जाई यार, तो उदों नहीं सानू मन्निया, उदों तो साडे कन्नां च कोई आवाज़ पई नहीं, अज किस तरह आवाज़ पै गई, वो ना ना दवाई छड़ दे लग जानी है, जितनू लग जानी दा इन्ना फिक्र है तो पहला क्यों नहीं इन्ने दस साल तक फिक्र लगा नहीं, हूँ एकदम क्यों इन्ना फिक्र पै गया कि दवाई लग जानी, मैं जो टेस्ट करता ना तो वो आंदा एक अफीम आ जाती है एक समै मतलब वो आ जाती है दो चार चीज़ा पॉजिटिव आ जाती हैं, तो पहला तो मेरे पेशेंट नहीं नहीं सवाल नहीं पैदा होता, मैं कहा जी आ भी आ गया, हाँ यह मैं पिछले छे तीन महीने पहला किया, मैं क्या जी ए भी आता पे जे वो ये तो मैं उधर ना उधर थकावट बड़ी हुई सी, मैं नाल बैठा जुकाम बड़ा लगा सी, नाले मेरी शुगर बधी सी, उन्हें कहा कि अफीम की गोली खा लो, मैं क्या अच्छा चलो, मैं क्या भी पॉजिटिव आता जी, वो कामनी खाते हैं ना कामनी तो सारे खाते, मैं क्या नहीं जी वो भी गल नहीं है, तो ट्रामाडोल भी पॉजिटिव आन डी है,
ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੀਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਤੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਪਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਸਕੇ। ਰਵੀ ਬੈਠੇ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੇੜੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਇਲਾਜ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਸਟੇਕਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐਡਮਿਟੇ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਉਂ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਥੱਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।